तो आपने ये चीज़ें बहुत जगह देखी होंगी जहां आपको इमेज तो अपनी पसंद की मिल जाती है पर उसके पिक्सल नहीं। जैसे हमें ये इमेज मिली है पर इसको थोड़ा सा ही जूम करने पे इसके पिक्सल पूरी तरीके से फट जा रहे हैं। तो हमें ये इमेज यूज़ तो करनी है पर इसके पिक्सल ने हमारा साथ नहीं दिया। तो आज इसी वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन लाए हैं, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए यार, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ ग्राफिक अड्डा की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हम कैसे किसी भी इमेज के पिक्सल बढ़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ हमारे पिक्सल ना फटे, जिससे तो हम उस इमेज को कहीं पे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले जाना होगा इमेज सेलेक्ट करनी होगी, फिर उसके बाद हमें यहाँ इमेज पे जाना होगा इमेज साइज। तो इमेज साइज पे आप यहाँ देख सकते हैं कितना कम साइज है ये, तो आप इस साइज को कोई भी हायर नंबर पे रख सकते हैं। तो ध्यान ये रखना बस ये लिंक ऑन रहे। तो यहाँ पे 340 है तो मैं इसको 3400 कर दूंगा, तो लाइक 3400। तो ये एक इमेज साइज में बड़ी हो चुकी है। अब हम इसका रेवोल्यूशन में 3000 करेंगे। हम सिंपली ओके क्लिक करेंगे। अब ये इमेज पिक्सल नहीं फटेंगे इमेज के, ये देखें तो ये बहुत जूम करने के बाद कहीं 1-8% है। तो अब इसको हम सिंपली जूम आउट करेंगे। अब ये थोड़ी ठीक हो गई है पिक्सल, अब यहाँ पे जूम करने पे नहीं फट रहे हैं। एंड इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ जाते हैं एक कर्व लेयर ले लेंगे कर्व। अब यहाँ पे हम सिंपली वाइट को थोड़ा इधर एडजस्ट करेंगे एंड ब्लैक को थोड़ा इधर एडजस्ट करेंगे ताकि जो बचू कुची ब्लरनेस है वो भी ठीक रहे। अब ये थोड़ा ठीक हो गया है। अब ये देखिए पिक्सल नहीं फट रहे अब इसके। अब हम क्या कर सकते हैं, ये इमेज पे हम थोड़ा गॉशियन ब्लर लगा सकते हैं या फिल्टर ब्लर, गॉशियन ब्लर, हल्का सा हम ब्लर भी लगाएंगे। 3 लगा लिया, ओके। और यहाँ पे थोड़ी इमेज ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में आ गई है, ये और क्लियर लग रही है। ये देखो अब यहाँ पे पिक्सल नहीं फट रहे हैं। तो आप ये किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फोटो में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।